Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो मैंने आपको क्लास 8 की इंट्रोडक्शन वीडियो इस एक्सरसाइज की ऑलरेडी बना ली है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उसको देख लीजिए, सो दैट आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट समझा दिए है उस वीडियो में। लिंक आपको यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ज़रूर उसको जाके देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए। मुझे आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसको मैंने लिख लिया है, चलिए पढ़ते हैं उसको। नेम द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग। तो प्रॉपर्टीज की मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर रखी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जाकर उसको ज़रूर देखिए। तो डिस्कस कर लेते हैं ये प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले वाला यहाँ पर देखिए, 8/5 प्लस 0। यहाँ पर 0 इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पर 8/5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू अगेन 8/5। अगर आप यहाँ पर 0 से कोई नंबर को ऐड कर रहे हो तो वापस से आपको 8/5 ही आ रहा है, या फिर आप पहले 0 लिख लो बाद में 8/5 को अगर ऐड करोगे तो भी 8/5 ही मिल रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या था मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बता दिया था, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर आप 0 को ऐड करोगे कोई भी नंबर से, वापस से वो वही नंबर लाएगा। तो क्या होगा ये प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, 2 × 3/5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 × 3/5 प्लस 2 × 1/2। तो ये क्या हो गया, गौर से देखिए, यहां पर ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से, प्लस फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। तो ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कर रहे हैं हम यहां पर, 2 को दोनों भी टर्म से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 से पहले 3/5 को, फिर 2 से 1/2 को। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, 3/7 × 1 इज इक्वल टू अगेन 3/7। देखिए आप, इंटू वन अगर हम 3/7 को कर रहे हैं तो वापस से हमें 3/7 आ रहा है, या फिर आप पहले 1 लिख लीजिए बाद में 3/7 लिख लीजिए, वापस से आपको 3/7 ही आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये जो 1 है आपको यहां पर जो दिया गया है, ये 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा यहाँ पर आपने 0 से इसको ऐड किया था तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई थी, उसी तरीके से इसको कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये थी थर्ड बिट। आइए बढ़ते हैं फोर्थ बिट की तरफ। −2/5 × 1 इज इक्वल टू अगेन −2/5। ये दोनों में कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं? नहीं। ये जो टाइप का नंबर था वही टाइप का नंबर यहां पर भी है, इंटू वन। तो यहां पर हम सेम इंटू वन कर रहे हैं, वापस से हमें −2/5 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट की तरफ। 2/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/5। तो ये सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, 2/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए, 1/3 प्लस 2/5। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये किस फॉर्म में है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होगा ये, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। आइए देखते हैं नेक्स्ट बिट, 5/2 × 3/7 इज इक्वल टू 15/14। यहां पर सीधा सीधा ऑपरेशन क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो गया, 5/2 और 3/7 को हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 3 = 15, 2 × 7 = 14। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडर विच ऑपरेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट वाले बिट, 7a + −7a। क्या हो गया, 7a + −7a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं देखेंगे। 7a
प्लस माइनस माइनस 7a, 7a माइनस 7a इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0। तो ये 7 का उल्टा था, उल्टा मतलब इनवर्स। क्या है उल्टा मतलब इनवर्स, 7a का इनवर्स होगा माइनस 7a। तो कौन सा इनवर्स है ये, ये है एडिटिव इनवर्स। क्या है ये होगा एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए, x इंटू 1/x, ये जो x है इसका इनवर्स है 1/x। साइन क्या है यहाँ पर देखिए, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1। यहाँ पर जो हो रहा है ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि बीच में साइन देखिए क्या है, बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन की और यहाँ पर 1 आ रहा है आंसर, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए लास्ट वाला देखेंगे अब, 2x प्लस 2x। यहाँ पर दोनों में भी 2 कॉमन है, तो वो 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, इंटू ब्रैकेट में जो कॉमन नहीं था वो लिखा x प्लस 6। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए हमने यहाँ पर 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया है x से और 6 से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो द लास्ट बिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है राइट द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों लिखना है इस नंबर्स के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे -3/5 का एडिटिव इनवर्स। क्या करेंगे हम सबसे पहले हम लिखेंगे इसका एडिटिव इनवर्स। तो देखिए -3/5, आपको एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज करना है, -3/5 है ये, एडिटिव इनवर्स होगा +3/5। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको सिर्फ इतना करना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। सो दिस इज -5/3। साइन के साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। आइए देखते हैं 1 का सॉल्यूशन। अब 1 का एडिटिव इनवर्स होगा, मैं एडिटिव इनवर्स को ai लिख रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज -1। वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, अगर आप इसका फिर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो वापस से वो 1 ही आएगा। चलिए देखते हैं 0 का। अब 0 का देखिए एडिटिव इनवर्स, वापस से वो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 की कोई साइन नहीं होती, तो ये हो गया 0। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। अब जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे तो वो बनेगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। क्या है ये, 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। आगे देखिए सॉल्यूशन ऑफ 7/9, 7/9 का एडिटिव इनवर्स होगा, साइन चेंज कर दीजिए, -7/9। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, दैट इज 9/7। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ बिट, -1। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा, साइन बदलनी है आपको एडिटिव इनवर्स में, तो माइनस हो जाएगा +1। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया, मैंने आपको कहा था 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही रहेगा, तो -1 का भी -1 ही रहेगा। आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखिए इसका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। सो सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जहां पर भी यहां पर ब्लैंक दिया गया है उसको फिल करना है। आइए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत से इसको कर लेते हैं। -1/17 + -1/17 + इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सी द राइट हैंड साइड, -12/5 + -1/17। जो यहां पर पहले है वो यहां पर बाद में दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो मिसिंग वन है वो यहां पर पहले वाला होगा, तो इसका मतलब ये है आंसर आपको यहीं पर छुपा मिलेगा, दैट इज -12/5। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये है a + b = b + a के फॉर्म में, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड बिट, -2/3 + - इज इक्वल टू अगेन सेम
माइनस 2/3। तो आपको कौन सा नंबर ऐड करना है यहाँ पर जिससे कोई भी चेंज नहीं हो अपने रिजल्ट में? क्या करना होगा आपको यहाँ पर ऐड? हम करेंगे यहाँ पर ऐड 0 को, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ थर्ड बिट, 1 into, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, 1 into dash विल गिव यू 9/11। यहाँ पर हम 1 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमें 9/11 मिले? ऑब्वियसली हमें इससे ही मल्टीप्लाई करना होगा 1 को, दैट इज 9/11। कैसे हमें 4 1 4 वापस से मिलेगा? उसी तरीके से 1 into 9/11 विल गिव अस 9/11। नाउ नेक्स्ट बिट, -12 + 5/6 + 6/7 इज इक्वल टू -12 + 5/6 इज गिवन इन द ब्रैकेट। नाउ दिस टर्म इज लेफ्ट अलोन। तो ये किस वाली प्रॉपर्टी है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहां पर हमें आखिरी के दो टर्म्स ब्रैकेट में मिलते हैं, उसके इक्वल टू साइड के राइट हैंड साइड में पहले के दो टर्म्स ब्रैकेट में मिलते हैं। तो ये -12 + 5/6 यहां पर ब्रैकेट में आ गया, तो मिसिंग वैल्यू क्या होगी यहां पर? 6/7। नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ बिट, -(1/2 + 1/3) इज इक्वल टू 3/4 × 1/2 + 3/4 × -। आपको यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहां पर जो मिसिंग नंबर लिखूंगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 1/2 से और 1/3 से। तो यहां पर आप देखिए दोनों में कॉमन कौन सी है? 3/4 इज कॉमन, सो दिस डैश इज एक्चुअली 3/4। कैसे? देखिए 3/4 डिस्ट्रीब्यूट होगी 1/2 से, दैट कम्स इन द फर्स्ट ब्रैकेट। देन अगेन 3/4 इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 1/3 विच इज द मिसिंग नंबर हियर, सो दिस इज 1/3। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नाउ लेट अस मूव टू द सिक्स्थ बिट, -16/7 + विच नंबर विल गिव अस अगेन सेम -16/7? द नंबर इज 0। कौन सा नंबर होगा वो? वो नंबर होगा 0। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, लाइक दिस वीडियो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है मल्टीप्लाई 2/11 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -5/14। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2/11 को रेसिप्रोकल ऑफ -5/14। इस रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब यहां पर है इनवर्स। विच इनवर्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। तो चलिए करेंगे हम मल्टीप्लाई इसको 2/11 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -5/14। चलिए इसका रेसिप्रोकल करिए। इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, सो 2/11 इंटू -14/5। नाउ मल्टीप्लाई 2 × -14, दैट इज -28 डिवाइडेड बाई 11/5 = 55। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी कैन बी यूज इन द कंप्यूटिंग? तो यहां पर आपको कौन से प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं कंप्यूट करने के लिए? तो आइए देखते हैं। यहां पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं हम इसको 2/5 × 5 × 7/6 भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया? लास्ट के दो टर्म्स जो ब्रैकेट में थे, अब हमने पहले दो टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहां पर हम 1/3 × 3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इंटू 4/11 को बाद में लिख लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए अब इसी तरीके से सॉल्व करते करते प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। यहां पर 5 और 5, यहां पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया? 2 × 1 × 7/6 + 1 × 1 × 4/11। अब यहां पर ब्रैकेट्स में गौर करिए, यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन विथ 1 इज कॉल्ड विच आइडेंटिटी? इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए हम इसको लिख लेंगे 2
इंटू 7/6 प्लस 1 × 1 इंटू 4/11। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 7, 2 × 7 इज हाउ मच, 2 × 7 = 14 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 × 4 = 4 डिवाइडेड बाई 11। अब क्या करना है आपको, यहां पर देखिए 14/6 प्लस 4/11। अब यहां पर आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, यहां पर आपको क्लोज कर देना है इन दोनों को। सो वी आर यूजिंग हियर क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहां पर, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना आएगा दोनों का एलसीएम यहां पर आएगा 66। तो हमें अब इसको भी 66 बनाना है और इसको भी 66 बनाना है। तो 6 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से कर लेंगे। तो हमें ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो आपको ऊपर भी यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ 11 × 14 इज हाउ मच, 154 हो जाएगा ये, प्लस 4 × 6 = 24। तो यहां पर हमें डिनोमिनेटर दोनों में 66 था जो हमने एलसीएम ऑलरेडी ले लिया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 154 प्लस 24 दैट इज 178 डिवाइडेड बाय 66। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी आर यूजिंग इन दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस डू द सिक्स्थ क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पार्ट वन। पार्ट टू मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। यहां पर मैं आपको 6 सॉल्यूशंस करा रहा हूं, पार्ट टू में बाकी के सॉल्यूशंस कराऊंगा। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है। जब कभी आपको यहां पर वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा, आपको LHS इक्वल टू RHS बताना होगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। 5/4 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2। अगर आप गौर करेंगे, यहां पर स्टार्टिंग के टू टर्म्स ब्रैकेट में है और यहां पर लास्ट के टू टर्म्स ब्रैकेट में है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। चलिए देखते हैं LHS क्या RHS के इक्वल है। तो यहां पर सबसे पहले हम 5/4 प्लस माइनस बिकम्स माइनस 1/2 प्लस माइनस बिकम्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/4 विल बी एज इट इज प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस बिकम्स माइनस 3/2। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम हियर, दिस इज 4 दिस इज 2, हियर एलसीएम विल बी 4, यहां पर एलसीएम रहेगा 4। अब यहां पर तो 4 है बट इसको आपको 4 बनाना होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। नाउ राइट 5 एज इट इज हियर, माइनस 1 × 2 = 2। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। माइनस 3/2 इज आउटसाइड इज इक्वल टू 5/4 प्लस, यहां पर डिनोमिनेटर्स में 2 और 2 है तो दीज आर लाइक टर्म्स, यू कैन टेक सिंपली 2, माइनस 1 माइनस 3। आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। अब 5 − 2 इज हाउ मच, 3/4 माइनस 3/2। यहां पर इन दोनों का एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 4 आएगा। यहां पर हमने 4 लिख लिया। अब इसको हमें 4 बनाना है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, यहां पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। सो दिस इज 3 माइनस 3 × 2 इज हाउ मच, 6 इज इक्वल टू, चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 5/4 प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 1 + 3 इज हाउ मच, 4। नाउ 3 इज बिगर सो माइनस साइन विल कम, डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर फिर से गौर करिए, 4 और 2 डिनोमिनेटर है, दोनों का एलसीएम रहेगा 4। तो मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा 4, यहां पर हमें 4 बनाना है सो × 2 × 2 5 इज एज इट इज प्लस माइनस बिकम्स माइनस, 4 × 2 = 8। चलिए अब यही लास्ट स्टेप को मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं क्या आया हमें। 3 − 6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 − 8 डिवाइडेड बाई 4। 3 − 6, 3 इज प्लस, यहां पर कोई भी साइन नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह है कि 3 प्लस में है और 6 माइनस में है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। सो 6 − 3 इज −3, क्योंकि 6 इज बिगर नंबर, −3/4 इज इक्वल टू, नाउ 5 इज ऑल्सो प्लस, 8 इज माइनस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। सो 8 − 5 इज हाउ मच, −3, बिगर नंबर इज 8 तो माइनस साइन आएगा, −3/5 इज इक्वल टू −3/5। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्या लिखना होगा आपको लास्ट में, आपको वेरीफाई करना था। सो दिस इज वेरीफाइड दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का। जरूर मैं आपको पार्ट 2 लाकर बताऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट बिलो, कैसी दिखी आपको वीडियो जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज कीप लर्निंग।